नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। तो दोस्तों, अगर जो है राशन कार्ड ऑनलाइन करवा लिया है और अभी तक आप नहीं चेक कर पाए हैं कि राशन कार्ड के लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, तो उसको हम कैसे चेक करें। और अगर मान लीजिए आप जो है राशन कार्ड आपका पहले से बना हुआ है, राशन कार्ड में किसी का नाम ऐड करवाया है, उसको कैसे चेक करें। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उस पर डाल दीजिएगा राशन कार्ड। राशन कार्ड डाल दीजिएगा और राशन कार्ड डालने के बाद में सर्च पर प्रेस कर दीजिएगा, और सर्च पर प्रेस करने के बाद में सबसे ऊपर वाले लिंक पर आपको प्रेस कर देना है, जो लिखा होगा nfsc.up.gov.in, और नीचे लिखा होगा राशन कार्ड nfsc.com गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो आप इस पर जैसे प्रेस करेंगे, ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा, और वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पर लिख के आएगा जिले का नाम। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर जिले का नाम आएगा, जो कि आपका जो भी जिला हो, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा, और यहाँ से अपने जिले का नाम जो है चूज कर लीजिएगा। और नाम चूज करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने ओपन होके आएगा, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा नगरीय क्षेत्र, और नीचे लिखा होगा ग्रामीण क्षेत्र, ये दूसरा ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र। तो आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आप उस क्षेत्र का, आप मान लीजिए नगरीय क्षेत्र से हैं तो आप नगरीय क्षेत्र का यहाँ पर टाउन लिखा होगा, टाउन को चूज कर लीजिएगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर नीचे ब्लॉक लिखा होगा, आपका जो भी ब्लॉक हो उस ब्लॉक को यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो हम ब्लॉक से हैं तो हम ब्लॉक को चूज कर लेते हैं, और ब्लॉक को चूज करने के बाद में यहाँ पर अब आ जाएगा ग्राम पंचायत। तो आपका जो भी ग्राम पंचायत हो, आपके ब्लॉक में जो भी आपका ग्राम पंचायत हो, तो आप अपने ग्राम पंचायत को यहाँ से पूरा चूज कर लीजिएगा। और ग्राम पंचायत को चूज करने के बाद में ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन हो किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा दुकानदार का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा पात्र गृहस्थी, दूसरा स्टेप होगा पात्र गृहस्थी, और तीसरा ऑप्शन होगा अंत्योदय, और यहाँ पर योग्य लिखा होगा। मान लीजिए आप जो है पात्र गृहस्थी में ऑनलाइन करवाए हों या अंत्योदय में ऑनलाइन करवाए हों, तो आपको उसका लिस्ट ओपन करना है। तो उसका लिस्ट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा होगा नंबर, जिसे 197 नंबर लिखा हुआ है, तो इस पर आपका देखिए इस पर जो है नीले कलर का कुछ हाईलाइट है, इस पर आप इस नंबर पे आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आप इस नंबर पे जैसे प्रेस करेंगे, ये पूरा लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो आप इसमें जो है अपना नाम ढूंढ लीजिएगा, और अपना नाम ढूंढने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा राशन कार्ड नंबर। तो आपका राशन कार्ड नंबर, तो आपके सामने जो भी राशन कार्ड नंबर लिखा होगा उस नंबर पे आप प्रेस कर दीजिएगा। मान लीजिए ये नाम है गीता लिखा हुआ है, इस नाम के सामने राशन कार्ड संख्या है, तो इस राशन कार्ड संख्या पे आप प्रेस कर दीजिएगा। और प्रेस करने के बाद में देखिए ये राशन कार्ड जो है पूरा हमारे सामने ओपन होके आ गया है। और दोस्तों, अगर राशन कार्ड ओपन होके आ गया है, तो अगर आप मान लीजिए किसी भी सदस्य का जो है नाम ऐड करवाया हो, तो नाम ऐड करवाया होगा तो यहाँ पर जो है लिस्ट में जो है उनका नाम भी यहाँ पर लिख के आ जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 यूनिट है, तो यहाँ पर 5वीं यूनिट भी यहाँ पर शो होके आ जाएगी। तो यहाँ से जो है अपना जो है राशन कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें और कितने यूनिट है उसको हम कैसे पता करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।